काश आ तो इसको मैंने दोनों यूज़ कर लिया था अराउंड 1 कप तक। तो मैं सोच रही हूँ जस्ट मेरे जहन में बीट, क्योंकि ये हर्ब्स होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस किस्म के। ये हो गया हमारा सॉसी स्पेशल। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे, और मेरी यही दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आप लोगों को और मुझ समेत हम सबको ढेर 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 खुशियाँ दे और सेहत भरी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, सर्दी बहुत हो रही है और मैंने तो ये बैनी पहनी हुई है क्योंकि मुझे सर का दर्द हो जाता है अगर मैं नहीं इसको रखूँ ना, तो इस वजह से। तो इस पूरे विंटर में आपको टाइम टू टाइम बैनी में नज़र आऊँगी मैं, ठीक है? तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आज हम बना क्या रहे हैं। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं स्पैगेटी चीज़ी मिंट सॉस, ठीक है? स्पैगेटी चीज़ी मिंट सॉस ये बहुत मज़े की बनती है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा नहीं बट है ये अंडर बजट रेसिपी, बच्चों की बड़ों की सबकी बहुत फेवरेट है, और ये इसको आप लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, ठीक है? जैसे सुबह गर्म करें और बच्चों के टिफ़िन में डाल दें और वो आराम से खाएंगे और उनको वो बहुत देर तक फुल रखेगी, ठीक है? क्योंकि स्कूल आवर्स लॉन्ग होते हैं, तो हम लोग मदर्स खासकर यही परेशान होते हैं कि भाई बच्चे को भूख ना लगे, उसका जो इतना लॉन्ग डे है वो अच्छे से गुजर जाए, ठीक है? तो आज की रेसिपी है स्पैगेटी चीज़ी मिंट सॉस, ठीक है? तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, और इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने काउंटर की तरफ। लेट्स मूव। जी व्यूअर्स, देखें यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, तो चलिए मैं आपको बारी बारी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ चीज़ी स्पैगेटी मिंट सॉस के। तो इसके लिए हमने लिया है बीफ मिंट्स 1/2 किलो, ठीक है? यहाँ पे मैंने ली है स्पैगेटी, ये है तकरीबन 160 ग्राम, और इसको मैंने कुक्ड कर लिया है, ठीक है? तो आप लोग भी अपनी पसंद के स्पैगेटी ले सकते हैं, ठीक है? एग स्पैगेटी होते हैं या प्लेन फ्लावर के स्पैगेटी होते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और उसको आपने कुक करना है एज़ पर योर पैकेट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। इसके में इसके अलावा जो जाएगा वो हमने लिया है यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स। ये मैंने पूरा 1 जो बल्ब होता है वो लिया था, 1 whole bulb ऑफ गार्लिक क्लोव, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। फ्रेश कोरिएंडर, लेमन, रेड कैप्सिकम, मेरे पास रेड था तो मैंने रेड ले लिया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इफ़ यू डोंट हैव रेड कैप्सिकम यू कैन टेक एनी कैप्सिकम, ओके? एंड 1 large onion, इफ़ यू डोंट हैव 1 large onion यू कैन टेक 2 small, ठीक है? ऑलिव ऑयल, इसमें जाएगा सोया सॉस, आई एम टेकिंग हियर टमारी सोया सॉस, बट इफ़ यू डोंट हैव टमारी सोया सॉस यू कैन यूज एनी सोया सॉस, डार्क सोया सॉस और लाइट सोया सॉस, ठीक है? और मैं यहाँ पे लूँगी डाइस टोमेटो 2 tablespoons full, ठीक है? और या अच्छा, अगर पास आपके पास डाइस टोमेटोज नहीं तो यू कैन टेक 2 large tomatoes, ठीक है? उसको डाइस कर लें, काट लें, चॉप कर लें, ठीक है? यहाँ पे इसके जो स्पाइसेस है वो आप देख लें। सॉल्ट, आई एम टेकिंग पिंक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट, बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट पिंक हिमालयन सॉल्ट यू कैन टेक नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है? कुकिंग सॉल्ट, ओके, एज पर योर टेस्ट। ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 teaspoon हीप, वाइट पेपर पाउडर सेम क्वान्टिटी 1.5 teaspoon, और टर्मरिक ये 1/4 teaspoon है, ठीक है? और ये हम यहाँ पे लेंगे 2 तरह की चीज़, चेडर चीज़, ठीक है? और यहाँ पे ये हम लेंगे पार्मेसान, ठीक है? 2 तरह की चीज़ हम यहाँ पे लेंगे। तो ये सारे इसके थे इंग्रेडिएंट्स, वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी, ठीक है? तो ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है? चलिए अब हम, और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस ऑलिव ऑयल, ओके? सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर टुडे रेसिपी। नाउ लेट्स गो टू द स्टोव एंड लेट्स स्टार्ट अवर कुकिंग। जी गाइस, देखिए मैंने यहाँ पे स्टोव पे रख दिया है अपना पैन, और मैंने ऑन कर दिया है चूल्हा। अब मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल, आई एम टेकिंग हियर ऑलिव ऑयल एज यूजुअल, ऑलमोस्ट 2 tablespoons, ओके? बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। तो देखिए ये हो गया है तकरीबन 2 tablespoons ऑलिव ऑयल। इफ़ यू डोंट लाइक ऑलिव ऑयल यू कैन टेक एनी ऑयल ऑफ योर चॉइस, ठीक है? बस इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे इतना कि इसमें हीट आ जाए, ठीक है? तो इसको हम वेट करते हैं कि इसमें हीट आना शुरू हो जाए। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, बेस्ट है, और इसको आप ऐसा रूखा ही खा सकते हैं। इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बॉइल्ड राइस हो और चपाती हो, ब्रेड हो, नान हो, नो, इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी, एंड यू कैन टेक इट विदाउट एनी राइस एंड नान एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है? अब देखिए ये हल्का सा गर्म हो गया ऑयल, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये अनियन, ठीक है? अनियन डाल के इसको स्लाइटली हमें ब्राउन करना होगा, तो ये मैं इसमें अनियन डाल देती हूँ।
वन लार्ज अनियन, ठीक है, ये चले गए इसमें अनियन हमारे, ठीक है, चलो अनियन डाल के हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस इतना करना है कि थोड़ा सा ये कलर इसका कास्ट आएगा, तो अभी चेंज होता है, नॉट गोल्डन, ठीक है, चलो जब तक ये होती है गोल्डन सी, और फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, देखिए जी व्यूज, देखें मैंने आपको कहा था कि हम इसमें इसको इतना गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट हल्का सा इसमें कलर आ जाए, सो दिस इज़ द राइट कलर, सी मैं आपको करीब से दिखाऊँ, ठीक है, गोल्डन गोल्डन सी ये हो गई है, एंड दिस स्टे, ओह माय गॉड, सो सॉरी, पीछे से मेरा वो पेपर टॉवल का जो रैक होता है वो गिर गया इस टाइम, सो सॉरी, ओके जी, तो ये अनियन गोल्डन सी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, ठीक है, सो दिस इज़ द राइट स्टेज वेयर वी हैव टू ऐड द मिंस, आई एम टेकिंग बीफ मिंस हियर, हाफ के जी, ओके, मैंने डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और पहले इसको हम अनियन के साथ मिक्स करेंगे, इतना इसका कलर जो है ना वो वाइट हो जाए, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर मीट में ना आइदर इधर चिकन बीफ और मटन, तो उसमें उसकी अपनी एक स्मेल होती है ना, तो उसको दूर करने के लिए पहले हमें अच्छे से भुनना होता है, और दिस इज का गुड थिंग इसकी जो भुनाई तो भुनाई उसमें गुड थिंग, चलिए मैं इसको भूनती हूँ इतना कि इसका कलर वाइट हो जाए, उसके बाद इसमें क्या करना है आगे क्या भी लेटर, सो आई थिंक हार्डली इट विल गेट 3 मिनट्स, ठीक है, चलो मैं फिर आपको अच्छे से फ्राई करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे भुनाई के बाद, जी वैसे देखिए मैंने कीमे को अच्छे से भून दिया है, और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज, जी वैसे आप देख सकते हैं कि कीमे की भुनाई अच्छे से हो गई है, और उसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखें, ठीक है, और इसकी बड़ी अच्छे से स्मेल हो रही है, ओके, दिस इज़ द राइट स्टेज वेयर वी हैव टू ऐड अवर अदर स्पाइसेस, सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द चॉप गार्लिक क्लोव्स, आई टुक द होल वन बल्ब ऑफ द क्लोव्स, ठीक है, ये इसको अच्छे से चॉप कर दिया था मैंने, और अब इसकी इसके साथ हम मिक्स करेंगे जस्ट फॉर द फ्यू सेकेंड्स, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो उसमें अच्छे से घुल मिल जाए, ठीक है, मेरे अच्छे से इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, चलिए इसको मैं 1 मिनट के लिए मिक्स करती हूँ, जी व्यूअर्स ये देखें 1 मिनट हो गया मुझे इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, अब हम इसमें अपने अदर स्पाइसेस डालेंगे, salt to taste, I'm not using all salt because after adding the spaghetti I will adjust, ठीक है, black pepper powder it will go whole, तो ये right है, ठीक है, white pepper powder, turmeric, ठीक है, इसको अच्छे से mix कर दिया, yummy smell, बाद मैं डाल दूँगी टोमेटो, मैंने आपको बताया था ये डाइस टोमेटोज 2 टेबल स्पून फुल, तो 2 टेबल स्पून ही के नेपाल बताए, ठीक है, ये चलेगा, गिव देम अ मिक्स 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 अ क्विक क्विक मिक्स, देखिए गाना गाते हैं ना तो बहुत अच्छे से कुकिंग हो जाती है और जल्दी हो जाती है, सो यू कांट बी बोर एनी मोर, सी इट्स लुक सो टेम्प्टिंग, अच्छा आपको पता है हम लोगों के यहाँ जो ये मिंस मिलते हैं बेचारे इतना पिसा हुआ इतना मशीन से निकला हुआ होता है कि इसको टाइम नहीं लगता पकने में, सो अगर आपके पास बारीक नहीं है मिंस तो फिर आप इसको मशीन से निकला लेगा, आस्क योर बुचर टू डू द प्रोसेस इन द मशीन, ओके, देखें इसको मिलाने जुलाने में बेचारा पक जाएगा, ठीक है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, मिक्स 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 मिक्स, वाह, सो लेट मी शो यू, ठीक है, चलो ये भी हो गया, एंड नाउ वी हैव टू ऐड हमारी, ओके सी आज क्या हो रहा है चीज़ें क्यों गिर रही थी, सोया सॉस, ठीक है, 1, तो ये आपका हो जाएगा मैंने 1/2 टेबल स्पून, आई एम यूजिंग हियर टमारी सोया सॉस, सो ये होता है जब आप डाइट पे होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं होता है इसको, बट
if you are not on weight loss, not on diet, so you can use light soy sauce or dark soy sauce per your choice. Okay, so ये भी अच्छे से हो गया है मिक्स मिक्स में. द टाइम टू एड कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम. सो हियर वी गो, आई एम एडिंग हियर द कैप्सिकम. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू यूज रेड कैप्सिकम. मेरे पास था सो आई यूज इट. आपके पास नहीं है सो यू कैन यूज येलो और ग्रीन, और इफ यू हैव ऑल थ्री कलर्स यू कैन एड ऑल थ्री कलर्स. ठीक है, फिर कलरफुल सा भी लगेगा. और साथ ही मैंने डाल दिया कोरिएंडर. ठीक है, आई डोंट नो कल मेरे किचन में कलर शोट क्यों हो रहा है. चलिए मैं इसको भी साफ कर लेती हूँ. ठीक है, ये देखिए जनाब. सो वी हैव एडेड ऑल अवर इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट व्हाट, यस एक्सेप्ट स्पेगेटी एंड चीज. ठीक है जनाब, ये हो गया. चलिए अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, इतना कि हमें ये जो हमारा कीमा है ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर हो जाए, पक जाए, कोई भी इसमें गुंजाइश ना रहे कि कच्चा है. अच्छा, यहाँ पे मुझे एट दिस स्टेज आई डोंट नीड टू ऐड वाटर बिकॉज मिन्स ऑलरेडी हैव इट्स ओन वाटर. द टोमेटो पेस्ट एंड द कैप्सिकम, ऑल दिस थिंग्स हैव द वाटर. सो व्हेन इट विल बी कुक दे रिलीज द वाटर. बट इन एनी स्टेज आई फील आई नीड टू ऐड वाटर, आई विल ऐड लिटिल वाटर, नॉट टू मच. ओके, सो मैं इसको पकने के छोड़ती हूँ और मिलती हूँ आपसे आफ्टर 10 to 15 minutes. सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी. कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है और मैंने यहाँ पे चखा था, तो इस स्टेज पे द सॉल्ट, द ब्लैक पेपर, ऑल स्पाइसेस इज परफेक्ट. ठीक है, ये देखें. अच्छा, अभी बिल्कुल इसका पानी जो है ना ड्राई हो गया है. मैंने कुछ भी पानी का एक कतरा भी यूज़ नहीं किया था, ये अपने ही पानी में जो कीमे ने रिलीज किया और वेजिटेबल्स ने उसमें ये पक गया. अच्छा, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अपना लेमन. ठीक है, हाफ लेमन डाल ली हूँ मैं. सो इफ़ यू डोंट लाइक मोर सावर यू कैन ऐड हाफ, मोर देन हाफ. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हाफ डाल दिया. ठीक है, सो यू कैन एडजस्ट द टेस्ट, इफ यू लाइक मोर यू कैन ऐड मोर, बट हाफ इज इनफ और यू कैन यूज लेस. ठीक है, मिक्स कर दिया. अब हम इसमें इस स्टेज पे डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें करना है इसको थोड़ा सा सॉसी. सो तकरीबन 2 tablespoons एंड नॉट मोर देन 2 tablespoons. ठीक है, ये हो गया डन डना डन डन. नाउ अब इसको हम क्या करेंगे जनाब, अब इसमें डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट्स स्पैगेटी. ठीक है, सो आई एम यूजिंग हियर स्पैगेटी ऑफ 120 grams. ठीक है जी. सो अच्छा, स्पैगेटी भी आपकी चॉइस है, जिस तरह की आपको यूज़ करना है आप कर लें. नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको मोटे वाले ही यूज़ करने हैं. ठीक है, अब इसको हम देंगे अच्छा सा मिक्स मिक्स मिक्स, मिक्सिंग 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 मिक्सिंग, टॉजिंग टॉजिंग मिक्सिंग टॉजिंग. ठीक है, चलिए मैं इसको अच्छा सा मिक्स करती हूँ. ठीक है, इसको इस तरह से टॉजिंग करनी पड़ेगी, तो फिर ये हो जाएगा मिक्स 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 मिक्स. ठीक है जनाब, ओके, चलें आपके सामने कर देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. और मैंने अभी अपना जो स्टोव है उसको भी ऑन रखा हुआ है. ठीक है, ये देखें जी जनाब, ये देखें, वाओ. ठीक है, यम. बस अब ये हो गया है बिल्कुल रेडी. चलें जी, अब मैं इसको सिर्फ फॉर फ्यू सेकंड्स के लिए ढक्कन लगा के बंद करके रखती हूँ, ताकि इसका जो स्पैगेटी डाली ना उसमें हर चीज़ का अरोमा आ जाए. तो आपसे मिलती हूँ 2 minutes के बाद. स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड. जी व्यूअर्स, देखें इसको पकते हुए फ्यू सेकंड्स हो गए हैं, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कसम से, काश आप लोग यहाँ होते. बस ये देखें, अब इसको चूल्हा हल्का कर दिया मैंने. नाउ दिस इज़ द लास्ट आइटम वी हैव टू एड इट, पार्मेसान एंड चेडर चीज़ मिक्स. तो आई मिक्स बोथ पार्मेसान, ठीक है, एंड दिस चेडर चीज़ श्रेडेड. ठीक है, तो इसको मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था, अराउंड 1 cup बन गई है. अच्छा, इसको हमने लास्ट में ही डालना है. ओके, ये देखें, इसको मिक्स कर देंगे. अच्छा, इसको मैं सोच रही हूँ, जस्ट मेरे जहन में अभी एक आया, इसको मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें ओरिगैनो डालते हैं. चलें,
लेट्स डू सम ट्विस्ट, क्योंकि ये हर्ब्स होती हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इस किस्म के जो इटालियन मैक्सिकन फूड्स होते हैं। जस्ट मेरे जहन में आया तो मैं थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है, आप लोग भी ज़रूर ऐड कर लिएगा, ठीक है। चलो हो गया, बस ये हमारी रेसिपी तैयार। चल इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर दिया और ये तो हमने किया स्टोव को ऑफ। ये हो गया हमारा सॉसी स्पैगेटी चीज़ी सॉस रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट आउट इन द सर्विंग डिश एंड देन आई विल शो यू द फाइनल लुक। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है और मैं आपको इसका क्लोजर लुक दिखा दूँ। ओह माय गॉड, सो टेम्पटिंग, ये देखें, ठीक है। और मैंने इसको भी टेस्ट किया था, टेस्ट में बहुत माशाल्लाह से अच्छा बना है। देख लीजिए आप लोग इसका क्लोजर लुक, लेट मी शो यू द क्लोजर लुक। स्मोक भी आपको नज़र आ रहा होगा ना, फ्रेश फ्रेश था, बिकॉज इट इज़ फ्रेशली कुकड एट अम्मा किचन रेसिपीज एंड वी लॉग, ठीक है। चल ये था इसका क्लोजर लुक। जी व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को इसका क्लोजर लुक दिखा दिया था, ये देखें, ठीक है। चीज़ी स्मोकी मिन्स पैकेटी, इट्स सो टेम्पटिंग, मैंने ट्राई की, बहुत अच्छी लगी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड माई रेसिपी, प्लीज़ give me a thumbs up, like, share and subscribe, and it's totally free, no subscription fees, nothing, ठीक है जनाब। चले अब मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, सबको, क्योंकि हम जब सबके लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ फिर हमारे ही लिए हक में बेहतर होती है, वो दुआ फिर हमें भी लगती है, ठीक है। चले अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलूंगी एक और अच्छी सी रेसिपी में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं कर रही हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे, सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। जब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करती रहिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।